हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्लिंग स्पार्कल। आज का जो वीडियो है इस पर मैंने ब्रोकेट ब्लाउज डिज़ाइंस की बैक को दिखाए हैं। तो अगर आप ब्रोकेट ब्लाउज सिला रहे हैं और आपको बैक पैटर्न में डोरी चाहिए या फिर इस तरीके की आपको टाइप चाहिए ऊपर और नीचे भी, तो आप इस तरीके के डायमंड शेप में मोती की जो लेस आती है उसको साइड पर लगा के आप इस तरह लुक दे सकते हैं, या फिर इस तरीके का फुल ओपन बैकलेस लुक दे सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का टैसल्स लगवा के टाई अप के साथ ब्रोकेट में रख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है। टैसल के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो फैब्रिक टैसल्स लगा सकते हैं, या फिर आप पर्ल वाले या फिर बीडेड वाले लगा सकते हैं। अगर आपको सिंपलिस्टिक लुक चाहिए तो आप सिर्फ टैसल्स को ह्यूज रख के आप इस तरीके का ब्यूटीफुल सा एक पॉटनेक वाला या फिर इन्वर्टेड पॉटनेक इस तरीके का आप रख सकते हैं टाई अप के साथ पीछे, या फिर आप दोनों ऊपर और नीचे इस तरीके का शेप जो कि फाइव साइडेड टोपास का है, या फिर इस तरीके का आप यू नेक आप रख सकते हैं। सिंपल सा बहुत अच्छा लगता है। और पाइपिंग आप कॉन्ट्रास्ट की दे दें, इस तरीके की कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग आप दे सकते हैं जो भी आपकी साड़ी के कलर हो, या फिर आप वही सेम कलर में आप इस तरीके का पॉट नेक रख सकते हैं विद टाई अप। तो टाई अप्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं सारे ही ब्लाउज में, लेकिन जब ब्रोकेट ब्लाउज की बात आती है तो उसमें काफ़ी अच्छा लगता है जब उसे आप कॉन्ट्रास्टेड कलर में डोरी रखते हैं, या फिर इस तरीके सेम कलर डोरी में आप फैब्रिक उसमें नीचे टैसल रखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीबॉडी।